Hello guys, welcome back to another lesson on MPPSC Assistant Registrar Examination Paper 2. My name is Aditya Dubey and in this topic we will talk about role of district collector. तो यदि आप इस चैनल में नए हैं और अगर आप इस चैनल की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन की प्लेलिस्ट जरूर देखिए और इसको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको रोल ऑफ कमिश्नर के बारे में। इस टॉपिक में हम डील करेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो कि आता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत 4C। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन या एक बेसिक एब्स्ट्रैक्ट ले लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ऑफन एब्रीविएट किया जाता है कलेक्टर टर्म से। ओके, ये आप सभी लोग इससे वाकिफ होंगे। ये एक आईएएस ऑफिसर होता है, मींस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर होता है, जो कि इंचार्ज होता है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में रेवेन्यू कलेक्शन होता है और या तो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो इनके अंतर्गत आता है। ओके, अब जो ऑफिस बियरर होता है, मींस जो ऑफिस संभालता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, वो काम करता है अंडर द सुपरविजन ऑफ डिविजनल कमिश्नर। तो यदि आपने डिविजनल कमिश्नर का वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में देखिए और या तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। अब हम जानेंगे रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो हमारा टॉपिक है। तो रोल की अगर बात की जाए तो रोल वेरी करते हैं, मींस डिफर करते हैं, हर स्टेट में अलग अलग होते हैं। ओके, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बहुत सारे जो ज्यूरिडिक्शंस होते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में उनको संभालना। एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या पहला रोल जो होता है वो ये होता है कि शहर में, मींस जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसका पूरी तरीके से मेंटेनेंस करे लॉ एंड ऑर्डर का। इसके अलावा सुपरविजन करे, मींस देखरेख करे जो भी शहर में पुलिस पोस्टेड हैं और साथ ही साथ जितने भी जेल्स हैं। ओके, इसके अलावा इसका सुपरविजन का काम ये भी होता है कि जितने भी सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी होती है और जितनी भी मजिस्ट्रेरियल इंक्वायरीज होती हैं उनकी देखरेख करना कि क्या वो अच्छे तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, इसके अलावा उसका काम ये भी होता है कि वो केसेस जो होते हैं, जो प्रिवेंटिव सेक्शन अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत आते हैं, उनकी जाँच सुनना। अब मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मींस सीआरपीसी और आईपीसी में क्या अंतर है। यदि आप इसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या तो आप एमपीपीएससी मेंस की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जेल्स का सुपरविजन करे और सर्टिफिकेशन इशू कर सके जितने भी कैपिटल सेंटेंसेस एक क्रिमिनल को अलॉट होते हैं या उसको फाइल होते हैं। इसके अलावा ये आर्बिट्रेटर की करते काम करता है, मींस आर्बिट्रेटर मींस देखरेख करना जितनी भी लैंड एक्विजिशंस होते हैं। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट जो भी होता है डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो किसी भी नेचुरल कैलामिटी या मैनमेड कैलामिटी के कारण होता है जैसे फ्लड्स, फेमाइन, एपिडेमिक, तो इन सब की देखरेख करना, इन सब का एडमिनिस्ट्रेशन करना ये कलेक्टर का काम होता है। इसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। जब भी किसी शहर में कोई रायट्स मींस दंगे फसाद होते हैं या एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तो उसमें कलेक्टर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि शहर का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे। अब एज अ कलेक्टर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो एज अ कलेक्टर ही कंडक्ट्स रेवेन्यू कोड। ओके, और इसके अलावा लैंड असेसमेंट करने का काम होता है, लैंड एक्विजिशन साथ ही साथ कलेक्शन का, और जितने भी इनकम टैक्स ड्यूज होते हैं या एक्साइज ड्यूज होती हैं या इरिगेशन ड्यूज होते हैं एक्सेट्रा, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कलेक्टर के पास। इसके अलावा वो डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है एग्रीकल्चरल लोन्स का और एक चेयरमैन की तरह काम करता है डिस्ट्रिक्ट बैंकर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का। ओके, ये याद रखिएगा, ये आपसे एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जा सकता है कि हु एक्ट्स एज अ चेयरमैन फॉर डिस्ट्रिक्ट बैंकर्स कोऑर्डिनेशन कमिटीज। तो आपको इसमें ऑप्शन दे सकता है कि डिविजनल कमिश्नर होता है, चेयरमैन डिविजनल कमिश्नर होता है, कि कलेक्टर होता है या तहसीलदार होता है, तो आपको ये ऑप्शन में दिए जा सकते हैं, तो इसलिए आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होती हैं उसका प्रधान या मतलब हेड कहलाता है कलेक्टर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करूंगा। आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं, मींस पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर ऑफ एमपी। ये आप अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, इनका संबंध भी एमपी से है, तो इसलिए मुझे ये लगता है कि आपके पेपर वन के नजरिए से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। यदि आपको इन दोनों का आंसर पता है तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा, और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए
और अगर आप चाहे नए हो चाहे पुराने हो, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, मीन्स जो भी मैं लेसन्स बना रहा हूँ इसकी पीडीएफ चाहिए, या किसी भी तरीके की अपडेट जो करंट अफेयर से रिलेटेड हो या अदर रिसोर्सेज की जानकारी चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और वैसे अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो t.me/aditya-dubey-mppsc आप टाइप कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो इसमें मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा पीडीएफ्स और बाकी अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस जो आप अवेल कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।